खबरों में हैदम, सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यात्रा। 5 घंटे के रेस्क्यू कर निकाला गया नंदी बैल। ईदगाह कॉलोनी के पीछे वाले नाले में नंदी बैल 5 दिन से फंसा हुआ था। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर काफी प्रयास किया, लेकिन बैल को नहीं निकाल पाए क्योंकि चारों तरफ बहुत गहरी खाई होने के कारण 4 दिन से वहीं स्थानीय लोगों ने चारा पानी की व्यवस्था कर रहे थे। पशु अस्पताल और नगर पालिका को कई बार जानकारी देने के बाद भी कोई भी मदद नहीं की गई। अतः स्थानीय लोगों ने जब गो सेवक के बारे में पता चला तो सब्बीर अली ने गोपुत्र दिलीप चंद्रवाल को बताया, एक बैल 5 दिन से यहां फंसा हुआ है जिसे हम लोग निकालने का प्रयास करने के बाद भी वह नहीं निकल पा रहा है। जानकारी लगते ही गोपुत्र दिलीप चंद्रवाल, पंकज मलिक एवं राहुल जैन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 5 घंटे की कड़ी मेहनत एवं सब्बीर अली, निशार खान, जुनेद खान, इरफान हैदर, इमरान खान के सहयोग से यह मातृशक्ति का पूरा सहयोग दिया। नंदी बैल को निकालने में रुखसार खान ने 5 घंटे कड़ी मेहनत के बाद सुरक्षित तरीके से निकाल लिया है। अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत ही महाश्मती गो रक्त संगठन को जानकारी दें। गाय बैल की सेवा एवं रक्तदान के लिए यह संगठन हमेशा सक्रिय रहता है। संगठन से गोपुत्र दिलीप चंद्रोल, यहाँ पे बैल फंसा हुआ था और बहुत प्रयास यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे थे लेकिन बैल निकल नहीं पाया क्योंकि चारों तरफ से यहाँ बंद है। बाजू में एक घर है, उसका दरवाजा खोला गया और उसके बाद उस बैल को बहुत ही कम से कम 4 से 5 घंटे की रेस्क्यू के बाद बहुत मुश्किल से उसको निकाला गया क्योंकि नाला यहाँ पर धंसता है। स्थानीय लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों की कड़ी मेहनत के बाद बैल को, अभी नंदी बैल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। धन्यवाद। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।